अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ही इस एक रबर ज़बरदस्ती एक अमेजिंग रेमेडी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की बहुत ही इनर्जेटिक, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने चेहरों पर, तो इंशाल्लाह आपको शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पर झुरझुरियाँ पड़ चुकी हैं, हाथों पर, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों के इर्द गिर्द। तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसके शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए वो है एक चम्मच भर के आपको कॉफ़ी का चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी कोई सी भी आप ले लीजिए बाजार से, ठीक है। एक चम्मच आप इसका डाल लीजिए इसके अंदर। इसके साथ जो दूसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है रोज़ वाटर। आपने 2 चम्मच तकरीबन रोज़ वाटर के इसमें डाल लेने हैं, ठीक है। और इन दोनों को अच्छे से कर लेना है मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बिल्कुल भी इसमें इसके जो दाने छोटे छोटे से होते हैं वो ना रहें, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है, ठीक है। तो जी व्यूवर्स, इसके अंदर जो मज़े की अमेजिंग चीज़ जाएगी वो है जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर लेना है आपने, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, ठीक है। और 1 चम्मच भर के आप इसके अंदर जेलेटिन पाउडर का ऐड कर दीजिए, ठीक है। मेरा छोटा चम्मच है तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ ताकि बड़े चम्मच के इक्वल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से इनको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसको गर्म पानी के अंदर 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद ये एक ज़बरदस्त सा पैक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं गर्म पानी के अंदर। तो ये देखिए, ये गर्म पानी है बिल्कुल, इसमें से स्टीम निकल रही है। आप इसको 10 मिनट तक के लिए इसके अंदर रखिए ताकि ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पैक तैयार हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब तक ये अच्छा सा तैयार होता है। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ये देख लीजिए, इसको गर्म पानी से मैंने निकाल लिया है और ये कैसा शानदार पैक तैयार हो गया है। बाहर के महंगे महंगे पैक से ये घर पर आप बनाइए और मज़े लूटिए, अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। तो कोई सा भी आप ब्रश ले लीजिए, इसको गर्म गर्म अपने चेहरे पर अप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको लीजिए इस तरीके के साथ और अपने ब्रश की मदद से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और जब तक कि ये अब बिल्कुल ड्राई नहीं होता, आप तब तक आपने इसको अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना है, ठीक है। अपनी आंखों के इर्द गिर्द, अपने चेहरे पर अच्छी तरह से आप इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई के बाद जब ड्राई हो जाएगा ये, फिर हम इसको आपके सामने रिमूव करेंगे इंशाल्लाह। ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी टाइट करेगा, ठीक है। जिनकी रिंकल्स वाली स्किन है उसके लिए ये बहुत शानदार पैक है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप इसको कर लीजिए अप्लाई और छोड़ दीजिए आप इसको जब तक कि ये बिल्कुल सूख नहीं जाता, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक कि ये सूखता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इसको रिमूव कीजिए अपने हाथ से। इसके इतने अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, यू कांट बिलीव, अनबिलीवेबल है। इसको उतारिए अपने हाथ से। इसके साथ आपकी स्किन, झुर्रियों वाली स्किन ऐसे ज़बरदस्त हो जाएगी कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इतनी तेज़ी के साथ वर्क करता है ये मास्क। बाहर के महंगे महंगे पील ऑफ मास्क ख़रीदने से बेहतर है कि आप ये वाला मास्क घर पर बना के अप्लाई करें। आपको इसके इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे कि क्या ही बात है। आपकी आँखों के सामने ये इतना अच्छा वर्किंग करता है। स्किन को देखें आप, स्किन के ऊपर शाइन, ब्राइटनेस देखें, अमेजिंग। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली न्यू से न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले देखने को मिल सके, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लिया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने और अपने प्यारों पर रखिए ख्याल, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।